वेलकम टू कॉस्मिक। तो आज हम बात करेंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की सारी मूवीज को सही ऑर्डर में कैसे देखें। मार्वल की सबसे पहली मूवी थी आयरन मैन, जो 2 मई 2008 को रिलीज हुई थी। नंबर दो पे आती है 13 जून 2008 को रिलीज होने वाली मूवी द इनक्रेडिबल हल्क। नंबर तीन पे आती है 7 मई 2010 को रिलीज होने वाली मूवी आयरन मैन 2। नंबर चार पे आती है 6 मई 2011 को रिलीज होने वाली मूवी थॉर। नंबर पांच पे आती है 22 जुलाई 2011 को रिलीज होने वाली मूवी कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर्स। नंबर छह पे आती है 4 मई 2012 को रिलीज होने वाली मूवी मार्वल्स द एवेंजर्स। एंड इसी मूवी के साथ मार्वल का फेज वन यहीं खत्म होता है। नंबर सात पे आती है 3 मई 2013 को रिलीज होने वाली मूवी आयरन मैन 3। नंबर आठ पे आती है 8 नवंबर 2013 को रिलीज होने वाली मूवी थॉर द डार्क वर्ल्ड। नंबर 9 पे आती है 4 अप्रैल 2014 को रिलीज होने वाली मूवी कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर। नंबर 10 पे आती है 1 अगस्त 2014 को रिलीज होने वाली मूवी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। नंबर 11 पे आती है 1 मई 2015 को रिलीज होने वाली मूवी अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन। नंबर 12 पे आती है 17 जुलाई 2015 को रिलीज होने वाली मूवी एंटमैन। एंड एंटमैन मूवी के साथ मार्वल का फेज 2 यहीं कंप्लीट हो जाता है। नंबर 13 पे आती है 6 मई 2016 को रिलीज होने वाली मूवी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर। एंड ये मूवी मार्वल की मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवी है। नंबर 14 पे आती है 4 नवंबर 2016 को रिलीज होने वाली मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज। नंबर 15 की अगर बात करें तो नंबर 15 पे आती है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2। नंबर 16 पे आती है 7 जुलाई 2017 को रिलीज होने वाली मूवी स्पाइडरमैन होमकमिंग। नंबर 17 पे आती है 3 नवंबर 2017 को रिलीज होने वाली मूवी माय वन ऑफ द फेवरेट थॉर रैग्नारोक। नंबर 18 की अगर बात करें तो नंबर 18 पे आती है 16 फरवरी 2018 को रिलीज होने वाली मूवी ब्लैक पैंथर, रेस्ट इन पीस टू चैडविक बोसमैन। नंबर 19 पे आती है 27 अप्रैल 2028 को रिलीज होने वाली मूवी अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। नंबर 20 पे आती है 6 जुलाई 2018 को रिलीज होने वाली मूवी एंटमैन एंड द वॉस्प। नंबर 21 पे आती है 8 मार्च 2019 को रिलीज होने वाली मूवी कैप्टन मार्वल। नंबर 22 पे आती है 26 अप्रैल 2019 को रिलीज होने वाली मूवी अवेंजर्स एंड गेम। एंड ये मूवी जिसने भी देखी है ये सबकी फेवरेट है। नंबर 23 पे आती है स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम मूवी 2 जुलाई 2019 को रिलीज हुई थी। मेरे को तो अभी भी ये जानना है कि आखिर मिस्टीरियो गया कहाँ। एंड इसी के साथ मार्वल का फेज 3 यहीं खत्म होता है। नंबर 24 पे आती है 9 जुलाई 2021 को रिलीज होने वाली मूवी ब्लैक विडो। इसमें जो टास्क मास्टर को जैसा दिखाया है कॉमिक से हट के, उसका पूरा जेंडर ही चेंज कर दिया है, इसके लिए मैं मार्वल को कभी माफ नहीं करूँगा। नंबर 25 पे आती है 3 सितंबर 2021 को रिलीज होने वाली मूवी सेंची द लेजेंड ऑफ टेन रिंग्स। नंबर 26 की अगर बात करें तो नंबर 26 पे आती है द लेजेंडरी मूवी एवर इटर्नल्स। बहुत ज़्यादा ही बेकार मूवी, ये पता नहीं आशीष को कैसे पसंद आ गई। नंबर 27 पे आती है 17 जुलाई 2021 को रिलीज होने वाली मूवी स्पाइडरमैन नो वे होम। नंबर 28 पे आती है 6 मई 2022 को रिलीज होने वाली मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस। नंबर 19 पे आती है 8 जुलाई 2022 को रिलीज होने वाली मूवी थॉर लव एंड थंडर। नंबर 30 पे आती है इसी साल 11 नंबर को रिलीज होने वाली मूवी ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर। ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के साथ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का फेज 4 यहीं खत्म होता है। मार्वल की अपकमिंग फेज 5 एंड फेज 6 मूवीज जो फ्यूचर में रिलीज होने वाली है उस पर अपकमिंग वीडियो में बात करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। बाय।